हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ऑनर V20 का करूंगा आज हैंड्स ऑन। मैंने बुक करा लिया है, होपफुली कल तक मुझे मिल जाए 1 जनवरी को। तो इस फ़ोन में खासियत है इसका इन डिस्प्ले कैमरा और 6.4 इंच की स्क्रीन है फुल HD IPS LCD के साथ। कैमरा बहुत खास है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है प्लस TOF 3D सेकेंडरी कैमरा है साथ में फ्लैश के साथ, और एक हमें मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर। ग्लास बॉडी है कर्व के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं कैमरा काफ़ी बड़ा लग रहा है, मुझे ये फ़ोन लेना ही लेना है। यहाँ मिलेगा आपको इसका सिम ट्रे, एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर। यहाँ वॉल्यूम की और पावर ऑन बटन, नॉइस कैंसलेशन, IR ब्लास्टर और 3.5 ऑडियो जैक भी दिया है, ये जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे, आजकल फ्लैगशिप फोन्स में मिलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा होल है ऊपर, वो होल है सिर्फ 4.5 mm का, सैमसंग 8AS का काफ़ी बड़ा लगा, नोवा 4 का भी बड़ा था, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा, प्राइस के हिसाब से भी बढ़िया है। 30,000 में 6GB 128GB वेरियंट मिलता है और 35,000 में 8GB 128। तो इसका देखते हैं स्पेसिफिकेशन, तो मैजिक UI 2.01 और एंड्रॉयड वर्जन 5, तो ये बढ़िया है, लेटेस्ट दिया है उन्होंने। मैंने वैसे किरिन 980 मे 20 प्रो में यूज़ कर चुका हूँ, मैजिक 2 में भी यूज़ कर सका हूँ, तो ये थोड़ा सस्ते में लॉन्च किया है 30,000 में। 2340x1080 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है इस फ़ोन में। एंटीटू स्कोर देखते हैं एक बार इसका क्या आता है। तो स्क्रीन काफ़ी प्यारी लग रही है, मगर अगर एमोलेड स्क्रीन दे देते तो मज़ा आ जाता, मगर चलो जो भी है 30,000 में बहुत कुछ दे रहे हैं ये। नोवा 4 हुआवे ने लॉन्च किया है 35,000 में 48 मेगापिक्सल वाला और 31,000 में 20 मेगापिक्सल वाला, तो उससे ये काफ़ी बेटर लगा मुझे प्राइस के हिसाब से। तो स्कोर आया है 247043, कम स्कोर आया है, पता नहीं किरिन 980 में क्या प्रॉब्लम है, मोस्टली इसका स्कोर 300,000 तक होता है। अब आप ऊपर देख सकते हैं एवरेज स्कोर, तो हार्डवेयर किरिन 980, रेंडर माली G76 1080x2340, 8GB वेरिएंट है इसका और 6.4 इंच स्क्रीन, डेंसिटी 400 CDPI, पिक्सल डेंसिटी 403, फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का है और NFC सपोर्ट करता है ये फ़ोन। बाकी जब मेरे पास फ़ोन आएगा तो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा उस फ़ोन के बारे में। तो इस फ़ोन में सबसे ख़ास है इसका कैमरा, फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा, दोनों ही कैमरे बहुत ही बढ़िया हैं इसके। 48 मेगापिक्सल प्लस TOF 3D सेकेंडरी कैमरा है, f/1.8 एपर्चर के साथ, 1.6 माइक्रोन है, स्लो मोशन हम कर सकते हैं 960 FPS में, जो बहुत बढ़िया लगा। और ये इसमें AR लेंसेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ये आपको मेट 20 प्रो में भी मिल रहे थे देखने को। तो मैं स्टोर में ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं हूँ स्टोर में, मगर जब मेरा फ़ोन आएगा तो मैं आपको उसका प्रॉपर कैमरा रिव्यू दूंगा एक बढ़िया सा। नाइट मोड भी दिया है इन्होंने, पोर्ट्रेट में काफ़ी ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, वीडियो कट इन में थोड़ा शेड्स लाइटनिंग है इसमें। बाकी कैमरा रिव्यू में मैं डिटेल में बताऊंगा इनके फंक्शंस क्या हैं, जैसे पॉइंट योर फोन एट द स्काई, तो काफ़ी फीचर्स हैं इसमें कट इन में, ये वेव योर हैंड अबव योर हेड टू चेंज द इफेक्ट। तो ये मैं कैमरा रिव्यू में दिखाऊंगा जब मेरे पास आएगा मेरा फ़ोन। बाकी इसमें सोनी का सेंसर यूज़ किया है IMX586, जो सबसे बढ़िया है, आप देख सकते हैं स्लो मोशन भी है, टाइप लैप्स भी है, 3D पर्सोना, काफ़ी ऑप्शंस हैं इसके कैमरे में। फ्रंट कैमरा है 25 मेगापिक्सल का, काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्ट्रा HD में 3840x2160, और फ्रंट के कैमरे की क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है फ़ोन में, और इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD 1080p 19:2:9 रेशो में, तो बढ़िया कैमरा होगा इस फ़ोन का। फ्लैश नहीं है फ्रंट में, तो पिक्चर की क्वालिटी देखते हैं तो बढ़िया लग रहा है, डिलीट मार देते हैं अपनी पिक्चर, स्टोर में क्यों देनी।
अब ट्राई करते हैं पबजी इसमें और कैसी लगती है स्क्रीन देखते हैं। तो छोटा सा होल देख सकते हैं आप साइड पे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, नियर अबाउट ब्रेजरलेस ही लग रहा है आप कह सकते हैं, क्योंकि होल का पता भी नहीं चल रहा साइड पे। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये फ़ोन। देखते हैं किस ग्राफिक में हम खेल सकते हैं पबजी इस फ़ोन में। तो हम खेल सकते हैं HDR, अल्ट्रा HDR में, HD में नहीं। तो बेस्ट ही है, किरिन 980 दिया है, 8GB की रैम है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मैं गेम खेल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भी मैं स्टोर पे हूँ, जब मेरा फ़ोन आएगा तब पक्का दिखाऊंगा। तो बैटरी की बात करें तो बैटरी है इस फ़ोन में 4000 mAh, जो काफ़ी बढ़िया लगा, और चार्जर दिया है 22.5 वोल्ट का, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो फ़ोन के हिसाब, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। 22 तारीख को ग्लोबल लॉन्च है पेरिस में, तो इंडिया में भी आएगा जनवरी के लास्ट वीक में, तो होपफुली बढ़िया प्राइस में आए। इंडिया में भी 30,000 पे भी लॉन्च करें तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप आपको अच्छी लगी हो। न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अनबॉक्सिंग की वेट कीजिए, कल तक आ जाएगी।